पहला प्रश्न, विषयों में सुख नहीं है यह 30 वर्ष से सुन रहे हैं, किंतु इस शरीर के अनुकूल बाह्य परिस्थितियों में तो स्पष्ट सुख लग ही रहा है, जैसे गर्मी में कूलर, सर्दी में रजाई, भूख में भोजन, प्यास में पानी आदि आदि। विषयों में सुख नहीं है यह सुनना अलग बात है, और विषयों में सुख नहीं है ऐसे क्षणिक का बोध होना अलग बात है। जो विषयों में सुख नहीं है ये सुन रहे हैं, अभी ऐसी हालत हो गई कि वह सुनना भी हमारी आदत बन गई है। जैसे विषय के भोग हमारी आदत बन गए, ऐसे ही विषयों में सुख नहीं है यह सुनना आदत मात्र बन गया। परंतु वे जो शब्द है कि विषयों में सुख नहीं है, उन शब्दों के भावों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए कहा कि आप ये वाणी को भी भूल जाना, उस वाणी के भाव को ही ग्रहण करना। तो उसका भाव ग्रहण नहीं किया कि विषयों में सुख नहीं है उसका अर्थ क्या है। हमें लगता है कि जब भूख लगती है तब जो भोजन मिला वो भोजन क्या है, और जैसे ही वह भोजन या मुंह में गया तब जो आनंद आता है वो आनंद क्या है। गर्मी होती है और एयर कंडीशन या एयर कूलर या पंखा चालू किया और जो आनंद आता है वह आनंद क्या है। बहुत भ्रांति होती है। कभी कभी आप सिद्ध क्षेत्रों की, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा के लिए पहाड़ चढ़ते हैं और पहाड़ के शिखर पर पहुंच करके इतना आनंद आता है कि सचमुच मेरी यात्रा सफल हो गई, तो उस समय पता ही नहीं चलता कि जब पहाड़ चढ़ रहे थे तब इतने पसीने से भीगे हुए थे और ऊपर वहां पहाड़ की टोच पर चलना नहीं होता, रुक गए, और ठंडी हवा चल रही है, उस ठंडी हवा का जो आनंद आता है, हमें भ्रम हो जाता है कि सिद्ध क्षेत्र की यात्रा का आनंद आ रहा है। आनंद ले रहे इंद्रियों के विषयों का, मगर हम अपने को ही धोखा देते हैं कि बहुत आनंद आया, कि वो जो चढ़ रहे थे तब तो वो हवा की ओर ध्यान ही नहीं था, तब ये ध्यान था कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं, ऊपर पहुंच जाऊं, ऊपर पहुंच जाऊं, और ऊपर पहुंचू ये जो विकल्प था, वह विकल्प के कारण वह जो ठंडी हवा का भी आनंद नहीं ले पा रहा था, वह विकल्प जैसे ही गया क्योंकि ऊपर पहुंच गया, अब उसके पास एक स्पेस, एक अवकाश मिला कि अब क्या, कि अब कुछ नहीं, तो अब ये ठंडी हवा है, अब उसका आनंद बोले, ठंडी हवा का आनंद लेता है। भ्रम ऐसा होता है कि वहां पर तीर्थ की यात्रा का आनंद आ रहा है। मिथ्यात्व है तब तक ऐसा होगा, भ्रमणा होगी। इंद्रियों के विषयों में जो सुख मानते हैं वह सुख क्या है, एक है विकल्प और दूसरा विकल्प की पूर्ति। विकल्प की पूर्ति, भोजन करने का विकल्प आया और विकल्प आया और भोजन किया, तो भोजन करने से भूख मिटी नहीं, इसलिए हमेशा ये बात याद रहे कि भोजन करने से भूख मिटती नहीं है, भूख पोस्टपोन होती है, वो आगे बढ़ती है।
जो अभी भूख लगी थी वो अब 4 घंटे के बाद लगेगी। ये उपाय नहीं है भूख को मिटाने का। ये जो भूख है और वो जो भूख का जो दुख है, वह दुख है उन विकल्पों का, और वहां ऐसी आशा है कि मुझे भोजन मिले, मुझे भोजन मिले, मुझे भोजन मिले। और जब भोजन मिलता है तब ये भोजन मिले, वो जो विकल्प था मुझे भोजन मिले, उस विकल्प की पूर्ति हुई। और विकल्प की जब पूर्ति होती है तो विकल्प का कर्ता मैं हूं, विकल्प मेरा है, विकल्प मेरा स्वरूप है। इसलिए विकल्प की जब पूर्ति होती है तो मेरी अपनी पूर्ति हुई ऐसा मानता है, और उसी में वह सुख मानता है, मेरी स्वयं की पूर्ति हुई। और आप यदि गहराई से विचार करें कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया आपको आनंद आ रहा है भगवान के दर्शन करने का, अब हाथ जोड़े हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस समय दर्शन करने का आनंद आ रहा है या सच्चाई कुछ और है? अब आप विचार करो कि आप 10 मिनट के लिए दर्शन करने के लिए गए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए दर्शन करने गए, मंदिर में बहुत भीड़ थी, फिर भी आपने प्रवेश तो कर दिया, 10 मिनट दर्शन भी किए, अब आपके पास समय नहीं है, ऑफिस जाना है, अब 10 मिनट का समय था, 10 मिनट तो हो चुके, अब आपको बाहर निकलना है, अब बाहर निकलना है मगर निकल नहीं सकते क्योंकि आपके जाने के बाद में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रास्ता बंद हो गया। अब 10 मिनट का तो भगवान के दर्शन का जिसको आनंद आया हो, उसे 11वीं मिनट में और ज्यादा आनंद आना चाहिए, क्योंकि आनंद तो बढ़ना चाहिए दर्शन से। तो अब तो वो दुख होता है कि कब मैं बाहर निकलूं, कब मैं बाहर निकलूं। तो ये 10 मिनट तक दर्शन का जो आनंद आता था वो क्या था कि 10 मिनट मुझे दर्शन करने हैं, ऐसे जो विकल्प थे उन विकल्पों की पूर्ति का आनंद था, और अब नया विकल्प है कि बाहर निकलूं, उसकी पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए वहां दुखी हो रहा है। स्वरूप यह है कि आज तक परमात्मा के दर्शन का आनंद नहीं, अपने विकल्पों की पूर्ति का ही आनंद लिया है। और पूरी जीवन भर हम पूजा भी ऐसी ही करते हैं, भक्ति भी ऐसी ही करते हैं, और भ्रांति में ही ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाता है कि मैंने बहुत धर्म किया, विकल्पों की पूर्ति में ही, ऐसा हरेक घटना में। इसलिए आप यहां प्रवचन सुनने भी बैठे हैं तो वो विकल्प की पूर्ति है और कुछ नहीं, कि प्रवचन सुनना है और यहां आए, उस विकल्प की पूर्ति हो रही है। अब आप जो सुनने के लिए बैठे हैं, कहा कि अभी 1.5 घंटे के लिए प्रवचन चलेगा, तो आपके विकल्प, आप इतने फिक्स विकल्प करके बैठे हैं कि बस अब 1.5 घंटा, इसलिए वो 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट होती है तो बताना पड़ता है लू और आगे, क्योंकि वो विकल्प ऐसे सेट करके बैठे हैं और उसकी पूर्ति हो गई, अब बाहर जाने का विकल्प है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही। ये एक विकल्प का स्वरूप यदि आप समझ ले तो आपको पता चले, हमने जो भगवान की प्रतिमा की स्थापना की है मंदिर में, वो भगवान की नहीं, अपने विकल्पों की ही स्थापना की है और कुछ भी नहीं है। अपने विकल्पों की स्थापना के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। वहां पर जाकर हम भगवान को पूछते, इसलिए मैंने देखा चाइना में वे लोग भगवान की जो मूर्ति बनाते हैं, वो मूर्ति कैसी बनाते हैं, जिस मूर्ति में जो नाक होती है ना, नाक बिल्कुल ऐसी चिपटी अंदर, इतनी छोटी नाक होती है। जो चीन में जो जो भी मंदिर बने उन्होंने भगवान की मूर्ति ऐसी बनाई, छोटी नाक वाली, और अफ्रीका में जो भगवान की मूर्ति है उस मूर्ति में उन्होंने बड़े बड़े होठ बनाए, और अमेरिका में जो मूर्ति बनती है वो गोरी मूर्ति बनती है, और यहां पूर्व में जो बनती है वो सावली बनती है। सच तो यह है कि हम भगवान को हमारे जैसे ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे विकल्प यहां जैसे हैं ऐसे ही वहां पर मूर्ति में स्थापित करते हैं। उनको कुछ और दिखाई नहीं दिया, उनको कुछ मिला नहीं, तो उनके जो शरीर का स्ट्रक्चर है ऐसा ही वहां पर मूर्ति में स्थापित कर दिया। क्या ऐसी ही चौड़ाई थी, ऐसी ही लंबाई थी, ये भी मान लिया है। इसलिए कहता हूं कि जो ये भगवान की पूजा करके आनंद आ रहा है वो विकल्पों की ही पूर्ति का आनंद है, और जो भगवान की स्थापना भी की है वो भी अपने विकल्पों की ही स्थापना की है। व्यक्ति ऐसा करता है कि
अपने ही हाथों से भगवान को बनाकर वहां सामने रखता है और फिर सारी जिंदगी उन भगवान के पास में जाकर के कुछ न कुछ मांगता है कि मुझे कुछ दे दो। खुद के बनाए हुए भगवान से कुछ मांगता है कि मुझे कुछ दे दो। बहुत भ्रमणा है, बहुत भ्रमणा है। ज्ञानी भक्ति नहीं करते, ज्ञानी पूजा नहीं करते, करते हैं तो ज्ञानी की भक्ति और पूजा क्या होती है ये भी समझ ले तो पता चले। और खास तो हमें यही समझने जैसा है क्योंकि हमें तो वहां जाना है ना, इसलिए कहा कि भगवान की भक्ति का जो भाव आता है उस भाव के काल में पहले तो ये जागृति बनी रहे कि जैसे इतनी दूरी और ऐसी जागृति जैसे किसी कर्म के उदय से ये वस्तु मिली, पुण्य के उदय से ये वस्तु मिली, तो पुण्य के उदय से जैसे ये वस्तु मिली ऐसे ही भगवान की भक्ति का जो भाव आया वो भाव पाप के उदय से आया या पुण्य के उदय से आया? भगवान की भक्ति का भाव है, भगवान की भक्ति का जो भाव आता है वह भाव पाप के उदय से आता है, पुण्य के उदय से नहीं। झटके लगेंगे मगर ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ज्यादा डोज नहीं दूंगा क्योंकि दूसरी बार बुलाना है, इसलिए जितना हो सके प्रयास करूंगा कि कम डोज मिले, मगर चैन नहीं पड़ता ये सच्चाई बताए बिना कि भगवान की भक्ति का जो भाव आता है राग का वह पाप के उदय से आता है, पुण्य के उदय से नहीं। इसलिए क्योंकि जो भगवान की भक्ति का भाव आता है वह किस कर्म के उदय से आता है? मोहनीय कर्म के उदय से आता है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से भगवान की भक्ति का राग का भाव आता है और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय ये चार कर्म है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार अघाती कर्म है, ये घाती कर्म है, ये अघाती कर्म है। तो ये मोहनीय कर्म ये घाती कर्म है और मोह के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से भगवान की भक्ति का भाव आता है। और ये नियम है कि घाती कर्म में जितनी भी प्रकृति है सब पाप की ही होती है, पुण्य की नहीं होती। पुण्य प्रकृति अघाती कर्मों में ही घटित होती है, घाती में नहीं। अघाती में तीन प्रकार की प्रकृति होती है, पाप की प्रकृति, पुण्य की प्रकृति और मिश्र प्रकृति, ये तीनों अघाती में घटित होता है। घाती में अकेला पाप, इसलिए 47 प्रकृति जो घाती कर्म की है वे सभी प्रकृति पाप रूप है। और इसलिए भले ही भगवान की भक्ति का भाव आए, भगवान की भक्ति का भाव ही नहीं जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ऐसे राग का भाव उत्पन्न होता है वह भी पाप का ही उदय है। उदय तो पाप का है और पहले यह स्वीकार तो हो और उसे पाप, उसमें पुण्य और पाप के भेद क्यों नहीं किए? उसका कारण है क्योंकि जो स्वभाव का घात करे उसे पुण्य कहे भी कैसे, इसलिए जो घाती कर्म के उदय से जो भी भाव होते हैं, इसलिए ये तीन बात है, एक है भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। तो ये जो द्रव्य कर्म है ना, ये जो 8 प्रकार के कर्म, ये द्रव्य कर्म है 8, और उसमें जो 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है, तो घाती कर्मों का जो फल है वह घटित होता है भाव कर्म में और अघाती कर्म का जो फल है वह घटित होता है नौ कर्म में। तो ऐसे होता है भाव कर्म, ये जो इसको दोनों एक साथ में ले लो, ये घाती कर्म ये अघाती कर्म, मगर दोनों है द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, तो ये जो घाती कर्म है उसका फल यहां भाव कर्म में आता है और अघाती कर्म है उसका फल नौ कर्म में आता है, ऐसा इसका विभाजन होता है। सच ये है कि भगवान की भक्ति का भाव पाप के उदय से आता है, इतना अंतर है कि जो भोग का भाव आता है और ये भक्ति का भाव आता है, दोनों में अंतर क्या? कि अंतर इतना
कि जब पाप का तीव्र उदय होता है तब भोग का भाव आता है, वो पाप का मंद उदय होता है तब भक्ति का भाव आता है। वो तीव्र और मंद के भेद से ये भेद पड़ते हैं, परंतु क्वालिटी तो पाप की ही रही। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि इंद्रिय विषयों के भोगों में जो आनंद मिलता है वह आनंद हमें हमारे विकल्पों की पूर्ति का, ये विकल्पों की पूर्ति का। और ज्ञानी को यह जागृति है। अब ज्ञानी को क्या जागृति, कि जैसे ही भगवान के मंदिर में वहां प्रवेश किया तो इतनी दूरी कि जिसमें कुछ भी सुख बुद्धि नहीं, जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ में ही जा रहा हो परंतु आपको पता है कि उससे मुझे क्या लेना देना, साथ में ही जा रहा है, यात्रा कर रहा है, ऐसे ही एक भाव है जो भाव यात्रा कर रहा है, इसको ऐसे समझे। ये एक रेखा है और ये बिंदु है, एक दो तीन चार ऐसे बिंदु और ये एक रेखा है। अब ये जो रेखा है ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व एक अखंड, और यहां क्रोध का भाव, मान का, माया का, लोभ का, ये बदलते हुए भाव, ये बिंदु, नए 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 भाव आते रहते हैं, ये बिंदु है। अब ये जो भाव यहां है उत्पन्न हुआ, फिर ये व्यय हुआ, फिर दूसरा भाव उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा उत्पन्न हुआ, फिर चौथा उत्पन्न हुआ। अब जिसकी दृष्टि यहां पर ही है एक, तो यहां जो कार्य होता है वह कार्य इसके लिए तो ये इतना दूर का है, भले ही ये बिंदु है परंतु ये बिंदु है वो यहां नहीं आएगा, वो यहां है तो यहीं पे ही रहेगा। तो ये प्रतीति है कि राग का जो विकल्प उठा यहां पर भगवान की भक्ति का, उस समय एक समय का बिंदु मैं नहीं हूं, ये राग का बिंदु एक समय का है वह मैं नहीं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव रेखा हूं, इसकी प्रतीति और इसमें इतना एकत्व और ये कर्म के उदय के अनुसार होता है, इन दोनों के बीच में भेद की रेखा है, उस भेद की रेखा के कारण भक्ति के काल में भी ज्ञानी को, भोगों के काल में भी ज्ञानी को कर्मों की निर्जरा होती है। ये भेद, ये वो बिंदु है मैं रेखा हूं, वो बिंदु है, इसलिए ये जागृति कि जब हाथ भी जोड़े ने, ऐसे हाथ यहां पर आकर के जोड़े तो इतनी दूरी सुमेरु पर्वत के परमाणु मेरे कोई चाचा मामा कुछ भी नहीं लगते, और ये जो झुकने का राग का भाव आया है, राग का भाव भी सुमेरु पर्वत, मैं चैतन्य मात्र, ये प्रतीति, ऐसे भाव, ये होगा, ये उदय का परिणाम होगा, मगर अंदर में भेद इतना सदा ही बना रहता है, इसलिए ज्ञानी को वहां पर सुख बुद्धि नहीं होती, भेद ज्ञान होता है। और ये सिर्फ भगवान की भक्ति में नहीं, भोगों के काल में भी, भोगों के काल में भी इतना भेद, इंद्रिय विषयों के भोगों के काल में भी वहां पर कोई भी संयोग हो, कोई भी स्थिति हो, वहां पर ये जागृति की ये जो है, इसलिए उसमें परिवर्तन करने का भाव नहीं आता कि अभी स्त्री को भोगने का भाव आया, परिवार के साथ में रहने का भाव आया, और राज्य को भोगने का भाव आया, खाने पीने का भाव आया, वहां जागृति ये बनती है कि ये उदय का परिणाम है। स्वच्छंदी नहीं होते, स्वच्छंदी नहीं होते, खेद बना रहता है, और वो जो खेद बना रहता है ना, खेद बना रहता है, उस खेद में भी ज्ञानी का अपनापन नहीं होता है। खराब भाव उत्पन्न हुए, खेद हुआ कि अरे ऐसी स्थिति, अभी पर्याय में ऐसे दोष है, ये जो भाव उत्पन्न होता है तब उसमें भी एकत्व नहीं होता। इसलिए जो लोग आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वे कहते हैं कि मैं आत्मा का ध्यान करूं, वे ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि ध्यान कौन करता है। ये जो पर्याय यहां पर बताई, ये बिंदु एक एक समय की पर्याय,
उस पर्यायी पर्यायी में ध्यान होता है, यहां ध्यान नहीं होता। ये तो जैसा है ऐसा ही है, वो कुछ करने वाला नहीं है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो तो है और यहां होता है। तो जब वो ध्यान ध्यान होता है तो ध्यान करने वाली कौन है? पर्याय है। और जब आप ये मान करके कि मैं ध्यान करूं आत्मा का, मैं आत्मा का ध्यान करूं, तो आपने स्वयं को क्या माना? यहां मैं ध्यान करूं। और ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय मेरा ध्यान करती है, मुझे आत्मा का ध्यान नहीं करना है, पर्याय मेरा ध्यान करती है। और वो करे तो वो सुखी होगी, और वो न करे तो वो दुखी होगी। करे तो वो सुखी होगी, न करे तो वो दुखी होगी। मैं तो त्रिकाल सुख स्वरूप हूं, जैसे ही मैं त्रिकाल सुख स्वरूप हूं याद गई कि ध्यान हो गया। ऐसा स्वरूप है भगवान, सहज ध्यान हुआ क्योंकि द्रव्य दृष्टि हुई, मगर जोर द्रव्य दृष्टि के, द्रव्य के जोर से ही पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, पर्याय के जोर से नहीं होता है। और अज्ञानी का सारा जोर वो पर्याय पे है कि मैं अभी आत्मा का ध्यान करूं, मैं ध्यान करने बैठता हूं, मुझे कोई बोला ना मत। वो ध्यान बोलना एक अलग बात है और अंदर में मानना अलग बात है। बोले मैं तो ज्ञानी भी बोलते कि मैं बाजार में जा रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, जैसे कल का ये बात मेरा देश है। अब बोलने भी बोलेंगे मगर मानेंगे यही कि मैं ध्यान करने वाला नहीं, मैं ध्यान करने वाला नहीं। ध्यान जिसका होता है ऐसा वह तत्व, ये भेद बना रहता है। इसलिए चार हाथ जमीन देखकर चलने का जो विकल्प आता है, उन विकल्पों का भी चैतन्य तत्व में प्रवेश नहीं। इसलिए थोड़ी गहराई से यदि इसको समझे जब इस पर्याय में, एक समय की पर्याय में, इस बिंदु में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, अनुभव में आता है, तब वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आता है, परंतु पर्याय में नहीं आता है। ये दोनों भेद समझने बहुत जरूरी है। इसलिए ये वस्तु जो है ये दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, परंतु दर्पण में नहीं होती है, वो बाहर ही होती है। इसलिए वो भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आता है, परंतु पर्याय में नहीं चला जाता, वो द्रव्य ही रहता है और पर्याय पर्याय रहती है। वो पर्याय में जानने में आता है। और खास बात ये भगवान कि ये दो प्रकार के ज्ञेय है, एक परज्ञेय और एक स्वज्ञेय। तो भगवान आत्मा जो है वो स्वज्ञेय और सारा जगत ये परज्ञेय। तो जब भगवान आत्मा अनुभव में आता है वह स्वज्ञेय है, वह स्वज्ञेय भी जानने में आता है तब ज्ञान में आ नहीं जाता। जब स्वज्ञेय ज्ञान के अंदर नहीं आ जाता तो परज्ञेय ज्ञान में कैसे आ जाएगा? बहुत दूर है। और वो ज्ञान में नहीं आता माने ज्ञान कौन? ये पर्याय। अब ये बात कि जब पर्याय में स्वज्ञेय भी नहीं आ जाता तो पर्याय में परज्ञेय कैसे आएगा? अब पर्याय ने परज्ञेय को जाना ने, पर्याय में जानने का तो कार्य हुआ ने। तो जिस पर्याय में परज्ञेय को जानने का तो कार्य होता है परंतु परज्ञेय का प्रवेश नहीं होता है पर्याय में भी। जिस पर्याय में परज्ञेय को जानने का कार्य होता है परंतु पर्याय में परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता, जब पर्याय में प्रवेश नहीं होता जो जानती है, तो द्रव्य जिसने जानने का कार्य ही नहीं किया उसमें परद्रव्य का प्रवेश कैसे होगा? मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है। तो त्रिकाल अपरिणामी जैसा है ऐसा है वही मैं हूं,
इंद्रिय के विषयों में आपका प्रश्न इसके संबंध में अच्छा है, फिर भी इंद्रिय विषयों में जो सुख बुद्धि है वह पहले छूटती है, इंद्रिय विषय है वह बाद में छूटते हैं। इसलिए सुख बुद्धि छूटने का नाम सम्यक दर्शन है और विषय छूटने का नाम मुनिपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ये जो भोग भोगते हैं वो इंद्रियों के विषयों में से सुख बुद्धि तो छूट गई है परंतु वे भोग भोगते हैं। पूर्व कर्म का उदय अभी थोड़े दिन तक ऐसा और चलेगा। वो साइकिल का दृष्टांत दिया, साइकिल में जो पैडल मारते हैं और फिर पैडल मारना बंद कर दिया तो फिर भी साइकिल तो चलती है। क्यों अभी क्यों चलती है? कि वो जो पहले पैडल मारे थे उसका ये कारण है कि अभी थोड़ी देर और चलेगी, बोले नए पैडल नहीं मारते। तो ज्ञानी अब पर पदार्थों में अपनापन तो नहीं करते, वो रुक गया, परंतु पहले जो भी कर्म बंधे थे उसका उदय भी इतना है कि थोड़े दिन तक ऐसा चलता रहेगा। वो पूर्व के कर्म के उदय से, इसलिए विषय के भोगों को फिर वो रोकना, दो में अंतर क्या है? एक ये कि पैदल मारना बंद करना उसका नाम सम्यक दर्शन, और ब्रेक लगा देना उसका नाम मुनि कर्म। सम्यक दर्शन प्रकट हो माने नए पैदल अब नहीं लगते, पैदल लगाना बंद कर दिया, अब ब्रेक लगा दी, अब आगे जाना भी रुक गया, वो मुनि धर्म है, विषय के भोग छूट गए। और आप विचार करो कि कोई पैदल लगाना वो बंद ही न करे और ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? गिरेगा। सम्यक दर्शन तो प्रकट न हो, पैदल तो लगाना बंद न करे और मुनि धर्म अंगीकार कर ले तो संसार की खाई में गिरेगा और दुखी होगा। इसलिए पहले पैडल लगाना बंद हो, उसके बाद में ब्रेक मारे। विषय के भोगों में से सुख बुद्धि पहले छूटे, विषय के भोग तो बाद में छूटते हैं। अपने लिए, किसी के लिए नहीं, ये भी किसी के लिए ऐसा स्वरूप है इस ये चैतन्य भगवान। स्वभाव की अस्थि के बल पर अनित्य विषयों के भोगों से यदि विरक्ति होती है तो उदासीनता प्रकट होती है, और स्वभाव के लक्ष्य के बिना यदि इंद्रियों के विषयों से यदि नजर हटाता है तो निराशा पैदा होती है, इसलिए डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन, निराशा और उदासीनता, इन दोनों में यही अंतर है। सारे जगत में कहीं पर भी चैन नहीं पड़ता उसका नाम निराशा है, कहीं पर भी चैन नहीं पड़ता उसका नाम निराशा है। और जगत में चैतन्य परमात्मा के अलावा कहीं भी चैन नहीं पड़ता, सुख नहीं, उसका नाम उदासीनता है। अस्थि का जोर हो और उसके साथ में वो नास्ति से वो अलग होता है। और खास बात यह कि यदि इस भूमिका में कोई विकल्प उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपको भूख लगी और भोजन करना था तो कर लिया, भोजन करना था सो कर लिया, पंद्रह मिनट के लिए विकल्प आए। अब आपने भोजन नहीं किया तो पूरे दिन भर ये विकल्प चलते रहे, मैंने भोजन नहीं किया, पेट में खाना नहीं गया, भोजन नहीं किया, और इससे यदि चित्त चंचल होता है और बार बार विकल्प होते हैं और विचार भी, तत्व विचार भी नहीं हो पाता है, तो भोजन कर लेना है,
ऐसी अक्कड़ अक्कड़ ऐसे मत होना कि नहीं मैं भोजन करूंगा ही नहीं। कर लिया 15 मिनट शांति से बैठ करके। जोर परिणाम पर है, क्रिया पर नहीं। इसलिए आपने वो सुना है ना, एक मुनिराज है वो एक घंटे एक महीने का उपवास करते हैं और फिर किसी गृहस्थ के वहां जाकर चावल का एक दाना खाया, एक दाना, और कुल्ला किया वापस, और फिर एक महीने का उपवास किया दोबारा। तो किसी ने कहा कि एक महीने का उपवास, बीच में एक चावल का दाना, फिर एक महीने का उपवास, वो एक दाना नहीं खाते तो 2 महीने का रिकॉर्ड हो जाता। वो एक दाना ही बीच में खाया ने, अज्ञानी को रिकॉर्ड की पड़ी रहती है। और वे मुनि कहते हैं कि एक दाना खा लिया इसलिए एक महीने का हुआ, क्योंकि जब एक महीने तक वो नहीं खाया तब अंदर में विकल्प आया कि मैंने महीने से नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, नहीं खाया। उस विकल्प को टालने के लिए वो दाना खा लिया कि बस अब बैठ जा, खा लिया ने चल। अब वो जड़ हो कोई क्रिया में तो नहीं, मैं तो एक दाना भी नहीं खाऊंगा, एक दाना भी नहीं खाऊंगा, और आकुलता करके और ज्यादा कर्म बांधेगा। इसलिए इस भूमिका में बहुत समझने जैसा है, विकल्प की और अंतर की परिणति की और जिसका जोर है वो क्रिया में नहीं अटकेगा। इसलिए आप सुनते तो है, विचार नहीं करते, और सुनते हैं उसमें भी एक गड़बड़ ये हो जाती है कि सचमुच तो आप अपने विचारों को ही सुनते हैं। यहां बैठे हैं आप, जो रस ले रहे हैं वो रस अपने विचारों में, जो अपनी मान्यता में जो है उसी का लेते हैं। इसलिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप जब सुनते हैं तब आपने अपने कान के ऊपर, कान पर हाथ रख दिए, एक विचार चलता है, विचार। जैसे कि यहां कहा कि भगवान की भक्ति का जो भाव है वो भी पाप के उदय से आता है, तब आपके अंदर ये शब्द तो यहां तक गया, ये शब्द गया कान में, मगर आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस, एक अंदर में विचारधारा चलती रहती है। वो विचार आपके आपके विचार आपके विचार आपके, और अंदर में भी वो विचार चलते रहे, इतनी सालों से कर रहे क्या गलत कर रहे। तो जो आपको जो रस आ रहा है अंदर में वो अपने विचारों का ही रस ले रहे, और ये जो कहा कि वो पाप का उदय, वो तो वाणी बाहर में ही रह गई। और ऐसे ही भगवान की वाणी को सुना, कभी भी ज्ञानी को, ज्ञानी की वाणी को सुना तो ऐसे ही सुना कि वो शब्द तो पढ़े परंतु अंदर में जो रस लिया वो अपना अपना ही लिया, वो अपना रस लिया। इसलिए कहीं कहीं आपने देखा हो ना, कोई रेस्टोरेंट हो, होटल हो, उसमें वहां पे ऐसा लिखते सब रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, और फिर नीचे सबसे लास्ट में आखिरी निर्णय हमारा ही रहेगा। 2 घंटे का प्रवचन सुना फिर आपने ये बोल के खड़े हुए, आखिरी निर्णय तो हमारा ही रहेगा। आपको जो बोलना है वो बोलो। मैंने एक फ्रेंच उपन्यासकार की कहानी पढ़ी, फ्रेंच उपन्यासकार के पास में कुछ पत्रकार आए थे मिलने के लिए, क्योंकि वो उपन्यास जो लिखा था वो इतना अच्छा और इतना प्रख्यात था। तो उन्होंने आकर के उपन्यासकार से कहा कि आप इस उपन्यास के बारे में कुछ बात कीजिए। तो उन्होंने बताना चालू किया, और उपन्यास में कहानी जो थी वो किसी राजा की कहानी थी,
तो कहा कि इसमें एक राजा है, फिर वो रानी है, ऐसा उपन्यास के सब पात्रों का वर्णन करना शुरू किया उस उपन्यासकार ने। फिर बात ऐसी चली, चलते चलते ऐसा हुआ कि वहां के जो राजा थे असली, उस राजा के बारे में बात करने लगे, चर्चा वहां पे चली गई और कुछ समय के लिए वो राजा की बातें करने लगे। फिर इस उपन्यास ने, उपन्यासकार जो था उसने कहा बस बहुत हो गया, प्लीज कम बैक टू रियलिटी। उसने ऐसा कहा, प्लीज कम बैक टू रियलिटी, बस बहुत हुआ, अब सच्चाई में वापस लौट जाओ। अब उपन्यास जो था ना, उपन्यास उसमें वापस लौट जाओ सच्चाई में। सच्चाई तो वो राजा वो है, वो असली है, वो सच्चाई है जिसकी बातों में वो चले गए थे, और ये तो सब बना बनाया है, नाटक है, मगर उसे ये इतना सच्चा लगता है कि प्लीज कम बैक टू रियलिटी, अब वहां की बात मत करो, अब यहां की करो। 2 घंटे तक सुनते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर हम यही कहते हैं प्लीज कम बैक टू रियलिटी, वो बेटा मेरा, वो सब रियलिटी लगता है, वो जो पात्र है ना नकली, वो नकली हमें असली लगते हैं। और ये जो असली है, सच्चा है, चैतन्य जीव राजा, लेकिन वो उदय के हिसाब से आपने हमें, लेकिन जब वो भक्ति का भाव आता है और उसके परिणाम में जो नया बंध पड़ता है उसमें भी घाती कर्म का भी बंध पड़ेगा, घाती कर्म का भी बंध पड़ेगा, उसमें घाती कर्म का जो बंध पड़ेगा उसमें तो पुण्य के हिसाब से, शुभ कर्म के हिसाब से जो नया बंध पड़ेगा, और उसके उदय में जब नया नया जो घाती कर्म का जो बंध पड़ा उसका जब उदय आएगा, तो उसके उदय में तो जैसे कि आपके जैसे वाणी सुनने मिलेगी, भगवान की वाणी सुनने मिलेगी, शास्त्र का सुनने मिलेगा, तो उस हिसाब से अगर एनालाइज किया जाए तो वो भक्ति का जो भाव आया, वो जो सुनना जो मिलेगा वो पुण्य के उदय से ही मिलेगा। अब जो वाणी सुनने मिलेगी भविष्य में, इस पुण्य के कारण, इस भाव के कारण जो अघाती कर्म का बंध हुआ और भगवान के समोसरण का योग हुआ वाणी सुनने का, वो पुण्य के उदय से वो योग मिला, परंतु वहां भी याद रहे कि भगवान का योग मिला और वहां सुनने के लिए जाने का जो भाव हुआ, फिर वो पाप का ही उदय है वहां पर भी। माने वो जो भाव की बात आएगी तब वो सब पाप की प्रकृति में ही घटित होगा, मगर इतना जरूर है यहां ये बताना चाहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही एक समान है, आप उनके भेदों में ज्यादा मत जाना, बस ये बताना मूल प्रयोजन है। बताना ये चाहते कि आज तक जो नहीं हुआ वो चैतन्य की अनुभूति नहीं हुई, बाकी सब भाव हो चुके, ये महिमा बताना चाहते हैं कि उन भाव उनमें मत अटकना। उदय नहीं चाहिए, उदय का अभाव चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये संसार मिला वो कर्म के उदय से मिला, तो मोक्ष कौन से कर्म के उदय से मिलेगा, कि कर्म के उदय से मोक्ष नहीं मिलता, ये जो उदय है वो चला जाता है, नष्ट होता है, तब वो मोक्ष मिलता है। इसलिए मोह के उदय का जब अभाव होता है, दर्शन मोह के उदय का जब अभाव होता है तब आत्मा मिलता है, उदय से आत्मा नहीं मिलता, उदय से तो संयोग मिलते हैं और उदय के अभाव से ये चैतन्य तत्व प्राप्त होता है। बात तो ऐसी है, बहुत पुण्य का बंध हुआ था तभी तो ऐसा चैतन्य तत्व का योग मिला, ऐसी वाणी सुनने का योग मिला, इस कलिकाल में भी ऐसा वितरागी धर्म का योग मिला, महा महा पुण्य का उदय है, महापुण्य का उदय है। परंतु ये महापुण्य का उदय है उसका सदुपयोग करे, सदुपयोग करे, तो सदुपयोग कैसे करे कि ये जो महापुण्य के उदय से ये जो जैन धर्म मिला, महापुण्य के उदय से ये जो संयोग मिला उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग करने का अर्थ है कि ये जो मिला है वह
और जो उदय में आया है वह वो कोई भी कर्म मेरा स्वरूप नहीं और मैं चैतन्य, ये उदय का सदुपयोग किया। वहां पर भी चैतन्य, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये जो मिला था उसका सदुपयोग किया। पुण्य के उदय में जानने को मिलेगी, मगर पुण्य का उदय है वह मेरा स्वरूप है ये मानकर नहीं मिलेगी, इसलिए ये भेद जानना। लेकिन ये भी जानने में पुण्य का उदय होगा तभी ये सही सच्ची बात मिलेगी ना? नहीं, उसमें पुरुषार्थ घटित होता है, इसलिए ये बात खास समझना कि जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ कहाँ घटित होता है, कि आत्मा की जो श्रद्धा दृढ़ होती है उसमें वो पुण्य का उदय मत घटित करना। कि जैसे कि दृढ़ श्रद्धा हुई कि ये चैतन्य तत्व ही मैं हूं, तो ये दृढ़ता वो पुण्य का उदय होगा तभी तो आएगी, नहीं, वो कर्म के उदय से नहीं आती, वो तो मोह के उदय का अभाव हुआ इसलिए आई, और वो भी निमित्त की अपेक्षा से, बाकी तो किसी कर्म के उदय से या उदय के अभाव से कुछ नहीं, वो अपना स्वयं का पुरुषार्थ है। इसीलिए इससे क्या हुआ कि जो परतंत्रता और पराधीनता थी ना, उससे हमें मुक्त कर दिया कि गुरु चाहिए। अब गुरु तो कर्म के उदय से मिलते हैं, तो फिर कर्म चाहिए, क्योंकि तो किसी ना किसी के पास से गुरु से हाथ फैलाओ। अब गुरु की बात बताए कि वो तो कर्म के उदय से, तो कर्म में हाथ फैलाओ, और वो कर्म जो उदय में आते वो बनते हैं तब उदय में आते हैं, तो किससे बनते हैं, कि वो राग के भाव से बनते, तो राग को हाथ जोड़ो। और यहां तो राग से तो भेद ज्ञान करना है, उसे हाथ थोड़ी जोड़ना है, यहां तो वितरागता को हाथ जोड़ने का नाम अधर्म कहा, हम राग को हाथ जोड़ने की बात करते हैं। आज सुनने में आ रहा है ने? कल समझ में आएगा, परसों अनुभव में भी आएगा। सुनने का योग मिलता है महापुण्य के वजह से, मगर उसमें जो भी सुनने में भी आता है उसमें क्या आता है, भगवान की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 6-6 घड़ी खिरती है, और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी, ऐसी 6 घड़ी भगवान की वाणी 2 घंटा और 24 मिनट पर टाइम, 7 घंटा और 12 मिनट तीनों टाइम मिलाकर, तो ये जो 2 घंटा 24 मिनट, ये 24 मिनट की 1 घड़ी, ऐसी 6-6 घड़ी भगवान की वाणी करती है, उसमें केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट क्या होता है, पूर्णिमा के चांद समान भगवान आत्मा, राग का भाव नहीं। आज 24 तारीख है ना, इसे 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, और ऐसी 6-6 घड़ी है, 6ठा महीना है, 24-6, और उसमें जो सेंटर में भगवान की वाणी का केंद्र बिंदु पूर्णिमा के चांद समान, ये 15वीं साल 24-6-15 न्यूमरोलॉजी टूडे, एक ही है भगवान की दिव्य ध्वनि। जो भी योग मिला है, योग का सदुपयोग करने की जो परिभाषा है ना, वो परिभाषा ही हमने इतनी गलत समझ ली कि हाथ जोड़ देने का नाम विनय, भक्ति करने का नाम विनय, पूजा करने का नाम विनय। कृपालु देव ने कहा कि भगवान की भक्ति करना, भक्ति करना, भक्ति पर जोड़ दिया, मगर किसी ने उसके अंतर भाव को नहीं समझा कि भक्ति करने का अर्थ क्या है, कि भगवान की जो वाणी है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को अपने जीवन में ऐसे अपनाना कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं ये माना, क्योंकि भगवान का उपदेश इसके लिए था ना कि आप स्वयं भगवान हो ये मानो, और आपने माना तो भगवान ने जैसा कहा था ऐसा भगवान का माना, यही तो भगवान की भक्ति की, आदर किया। कोई बेटा कहे कि मैं अपने पिताजी का आदर करता हूं, तो आदर का मतलब क्या, पिता जैसा कहे ऐसा बेटा करे, वो आदर है। अब पिताजी कहे कि पानी का गिलास लेके आ, तो खड़ा है, पानी का गिलास लेके आ, खड़ा है, अरे पानी का गिलास लेके आ, सुन रहा है या नहीं, सुन रहा हूं, आपने 3 बार बोला पानी का गिलास लेके आ,
अब वो पिताजी कहेंगे कि मेरा बेटा मेरी बहुत सुनता है, नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि मेरा बेटा आजकल मेरी सुनता नहीं है। अब वो कहता है मैं सुनता हूं, 3 बार सुना। तो हम कहते हैं कि हम भगवान की वाणी को सुनते हैं, मगर वो सुनते थोड़ी है। सुनने का अर्थ है प्रयोग हो, और जो प्रयोग होगा तब भगवान की सच्ची भक्ति होगी। भक्ति का मूल भाव ये था। अगला प्रश्न, जो प्रश्न था कि अनित्य विषय में जो सुकृति है वो छूट नहीं गई है, अब समझाने के टाइम पे आप हमेशा समझाते हैं कि जब तक अनित्य विषय की सारता नहीं समझ में आए तब तक नित्य का अनुभव नहीं हो सकता। तो ये साइक्लिक हो गया कि पहले अनित्य विषय की असारता जब तक नहीं समझ में आए तब तक नित्य का अनुभव नहीं आ सकता है, और नित्य का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक वो इसमें सुख नहीं है वो समझ में नहीं आता, तो दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसमें से कैसे बाहर निकल जाते। दोनों एक दूसरे के सहचारी ही है, सहकारी नहीं है। दोनों साथ में होते हैं मगर दोनों एक दूसरे को कुछ करते नहीं है। इसलिए समझना कि भगवान की भक्ति का जो भाव आया, जैसे कि देव के प्रति जो दर्शन करने का भाव आया, तो आपको देव की जो श्रद्धा है कि ये वितरागी भगवान ही सच्चे है, ये श्रद्धा है क्या है? अभी एक बात कि हाँ है, हम इनके अलावा और कहीं पर भी मस्तक झुकाते नहीं है वितरागी भगवान के अतिरिक्त। एक ये बात, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब दूसरी बात कि सुबह 9 बजे दर्शन किए, शाम को 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, तो 9 बजे दर्शन किए तब भगवान के प्रति श्रद्धा थी और शाम को 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ। अब 4 बजे जब सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, तब 4 बजे ही भगवान की श्रद्धा हुई, उससे पहले नहीं थी। क्योंकि भगवान की जो श्रद्धा है वितरागी भगवान की श्रद्धा, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, और आत्मा की अनुभूति वो मैं स्वयं परमात्मा हूं ये मानना निश्चय सम्यक दर्शन है, और निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। इसे 4 बजे वितरागी भगवान की श्रद्धा हुई, तो सुबह ये हो रहा था वो क्या था कि वो हो तो रहा था, वो व्यवहार नहीं था, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है, परंतु वो उस निश्चय तक पहुंचने के लिए, उस भूमिका के लिए साधन था। तो ऐसे ही क्षणिक का जो बोध है, अनित्यता की असारता का बोध है, वो तो सम्यक दृष्टि को ही होगा, वो निश्चय के साथ में व्यवहार जैसे होता है, परंतु उससे पहले जैसे पूजा भक्ति तो करते थे बंद नहीं की, ऐसे ही उससे पहले तत्व के विचार चलते हैं कि इंद्रियों में सुख नहीं है, तो कार्य कारण संबंध नहीं रहेगा। कार्य कारण संबंध जो है वो है, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु दोनों अपने अपने रूप में स्वतंत्र है, ये भी समझना। जैसे कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, ये सम्यक दर्शन जब होता है तो ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, परंतु ये सम्यक दर्शन जो कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, परंतु ये ज्ञान जो कार्य है वो अपने आप हुआ है, अपने पुरुषार्थ से हुआ है, इसके ऊपर अधीन होकर के नहीं हुआ है, क्योंकि उसका स्वयं का परिणमन है, यह परिणमति सकर्ता, उस दृष्टि से लेंगे तो वो स्वतंत्र है, और निमित्त की दृष्टि से लेंगे तो वहां पर कारण कार्य का आरोप लगता है। इसमें एक और था कि विषयों में सुख बुद्धि है और वो छूटे, तो सुख बुद्धि हमें छूटने में इसलिए आता है कि पंखा चल रहा, ठंडी हवा आ रही है, ऐसे चल रहा ठंडी हवा आ रही है, वजह उन्हें गर्मी आ रही है, तो सुख बुद्धि कैसे छूटे? इसलिए स्वभाव के आश्रय के बिना सुख बुद्धि नहीं छूटती। इसलिए ये विचार करेंगे ना कि कितनी भी गर्मी हो मैं सहन करूं, मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं सहन करूंगा, और धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर गर्मी में भी आपको चलता है, अब फर्क नहीं पड़ता, आपको चल जाता है, अब फर्क नहीं पड़ता है।
और तभी ये भ्रमणा हो जाती है कि अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे में समता भाव प्रकट हुआ है, वो भ्रमणा एक होती है। इसलिए भ्रमणा हो जाती है क्योंकि शरीर है वो उस प्रकार के लिए, उस प्रकार का तैयार हो गया होता है कि फिर अब आप यदि गर्मी में भी रहे तो आपको कुछ नहीं होता। इसलिए उस शरीर की जो स्थिति होती है, अभी यूरोप के देशों से यदि कोई लोग यहां गर्मी के दिनों में आए तो उन्हें जो गर्मी लगती है, और हमें जो यहां पर उन गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी नहीं लगती, हम तो धूप में भी निकलते हुए धूप में नहीं निकल सकते, वो शरीर की अवस्था हुई, वो शरीर की अवस्था हुई। और यदि वो कुछ दिन के लिए यहां रह जाए और ऐसे सूट हो जाए उनका शरीर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अभी ठंडी गर्मी में भेद नहीं रहा, वो शरीर ऐसा सेटल हुआ जैसा हमारा पहले से ही सेटल था, मगर वो धर्म नहीं था। इसलिए ये उपाय नहीं है, ठंडी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, एक भ्रमणा पैदा होने की संभावना ज्यादा है। एक ही उपाय है, भेद विज्ञान और चैतन्य की जागृति, उसके आश्रय से ही सहजता प्रकट होगी, वरना वो हैबिचुअल लाइफ, आदती जीवन हो जाएगा, जैसा आदती जीवन हम अभी जी रहे हैं, आदती जीवन। इसके संबंध में ही अगला प्रश्न है, आत्मार्थी जीव की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? जब तक दिनचर्या और रात्रिचर्या का भेद है तब तक आत्मार्थी नहीं। कहने का आशय यह है कि पहली बात तो यह कि उसे दिन रात से कोई भेद नहीं, अब दूसरी बात कि वो क्या करे सुबह से शाम तक, नियत से हुआ, नियत से को किसी ने पूछा था, तुम्हारी साधना क्या है, उसने एक अच्छी बात ये बताई थी कि जब मुझे भूख लगती है तब मैं भोजन करता हूं, और नहीं लगती है तो मैं नहीं करता हूं, प्यास लगती है तो पानी पीता हूं, नहीं लगती है तो नहीं पीता हूं। समझने जैसी बात है, आपको ऐसा लगे उसमें बड़ी बात क्या, भूख लगे तो खाया और प्यास लगी तो पिया। समझने जैसी बात यह है कि हमारा अभी का जो जीवन है वो आदती जीवन है, दोपहर में 12 बजते हैं तब भूख लगती है या नहीं लगती कोई लेना देना नहीं, 12 बजे खाना है बस, ये आदती जीवन। और वो आदती जीवन इस प्रकार का है कि 12 बजे भोजन करना है, पेट पर आप अपना ध्यान नहीं है। इसलिए जो बेहोशी वाली अवस्था है ना, वो बेहोशी वाली अवस्था क्या होती है, सुबह 8 बजे उठे, 1 घंटे के लिए तैयार हुए, नाश्ता किया, 9 बजे तो थोड़ी आलस आ रही थी तो सो गए 9 बजे, और कहा था सभी को कि 12 बजे भोजन करना है, जगा देना। अब हुआ यूं कि 11 ही बजे थे, 12 नहीं बजे थे, 11 बजे थे, और किसी ने वहां घड़ी में 1 बजा ऐसा कर दिया, वो जहां सो रहा था उसकी आंख खुली और घड़ी में देखा, अरे 1 बज गया, मुझे जगाया नहीं किसी ने, मैंने 12 बजे जगाने के लिए बोला था, चलो चलो जल्दी जल्दी खाना निकालो, अभी तो 11 ही बजे, पेट में भूख भी नहीं मगर वहां घड़ी में 1 बजा है। हमारा जो जीवन है ना, जिसे हम धर्म कर कह के बैठे हैं ना, कुछ बोध ही नहीं है, जागृति ही नहीं है, आदती जीवन इसका नाम है, हैबिचुअल लाइफ। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सोया तो ऐसे सोया कि 1 बज गया और किसी ने घड़ी में 11 ही करके रखा था, आंख खुली, अच्छा अभी 1 घंटा है ना, चलो ठीक है, 12 बजे ही भोजन करूंगा। आपने कभी ये गौर किया ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आप घर से बाहर सुबह निकले शॉपिंग करने के लिए और
दुकान में ज्यादा भीड़ थी, समय लग गया, घर आते आते आपको 3 बज गए। अब 3 बजे आप खाना खाने बैठे, आप रोज खाते थे 4 रोटी, 3 बजे खाई 2 रोटी। किसी ने पूछा कि लो ने खाओ ने, कि नहीं नहीं बस मेरी भूख मर गई, भूख मर गई। ये 3 घंटे देरी से खाना खा रहे, और खाना चाहिए ना ज्यादा, मगर वो आदत के अनुसार नहीं मिला। आदत 12 बजे की थी, ये 3 बजे मिल रहा है। आदती जीवन, इतना आदती जीवन जिसमें हम ऐसे पकड़े कि हमें बोध ही नहीं है कि यहां क्या जरूरत है, कुछ विचार ही नहीं करते, ऐसा आदती जीवन। नींद आती है तब हम सोते हैं, नींद खुलती है तब हम उठते हैं। 4 दिन तक नहीं आई तो नहीं सोए, नहीं जरूरी कि 10 बजे सो जाना और 5 बजे उठ जाना। ये नियम लेके जो बैठता है ना, वो साधना साधक वो ही नहीं सकता जो 10 बजे सोने का नियम ले और 5 बजे उठने का नियम ले। सहजता, वो अच्छा लगेगा, समाज में मान मिलेगा, वाहवाह होगी, देखो कितना पंक्चुअल, बिल्कुल 10 बजे सो जाता है, बिल्कुल 5 बजे उठ जाता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम सब। यहां का कोई बोध नहीं कि यहां क्या चल रहा है। और समाज के बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी कि ये बिल्कुल पंक्चुअल है, और उस प्रतिष्ठा के कारण, उस अहंकार के कारण ये जीव इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है कि वहां पर जो मिलता है फिर वो नहीं मिलता। इसलिए यदि 7 बजे भी नींद खुल गई तो ठीक है। इसलिए कहा कि सुबह पहले दिन का, सुबह जल्दी उठने का नाम धर्म होता तो मुर्गे को धर्म पहले होना चाहिए, सबको जगाता है चिल्ला चिल्ला के। और जैसे जैसे भगवान आपके अंतर में जागृति जैसे आएगी ना, जागृति आएगी, तब घड़ी का जो समय है ना, वहां पर दृष्टि वहां से हट जाएगी। इसलिए कल ही किसी ने कहा, हम पूछ रहे थे कि आज कौन सा वार है, अब पता ही नहीं, घड़ी कैलेंडर कुछ नहीं, यहां आने के बाद में वो वार का पता ना चला, वो डेट का तो अभी भी पता चला, वो 21 से 24 का समय ही था, तो आज 3रा दिन है तो चलो 23 होगी, मगर वो वार का पता ना चला कि कौन सा वार है। अब विचार ये करे कि हमें स्वयं को ही पता नहीं कि वार कौन सा है, कौन सा दिन है। अब भावलिंगी मुनिराज वहां जंगल में कौन सी अष्टमी और कौन सी चतुर्दशी, कौन सा कैलेंडर लेकर के बैठते हैं। बात यह है कि अंतर में जब परिणति निर्मल होती है ना, उनके लिए सभी दिन धर्म के हो जाते हैं, कोई एक दिन नहीं, सभी दिन। मगर हमने धर्म को भी किसी दिन में बांध के रखा है, क्योंकि ज्यादा धर्म करने की हिम्मत नहीं है। सभी दिन वो जहां जागे, बस जहां भी हो वहां चैतन्य ही हो, उसके लिए सब दिन। इसलिए जिसने धर्म को किसी दिन में, किसी पर्टिकुलर समय में बांध के रखा है, उसने धर्म को इतना संकुचित, इतना मर्यादित बांध दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो फिर और ध्यान से सुन लेना, अष्टमी चतुर्दशी का पालन करने वालों, कि फिर अब हम हरी खाएंगे, क्योंकि आपने कहा अष्टमी चतुर्दशी जैसा भेद नहीं होता। वो मुनि की बात कही कि वन में वहां पर वो हिसाब कौन रखता है। अंदर में गए नहीं, ये तो आप भी विचार कर सकते हैं कि जब आप यहां आते हैं, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी आप भी ऐसा भूल जाते हैं, ये चिंतन तत्व चर्चा, उसमें आपको घर कितना याद आता है यहां पर, और घर पे रहकर यदि स्वाध्याय करते तो कितना घर याद आता। तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अभी ये भाव आते हैं, तब जब अनुभूति हो और उसमें भी परिणति ऐसी निर्मल हो, वहां जगत क्या याद आएगा। ऐसी दशा प्रकट होती है भगवान, जब सारा जगत है, जगत तो जगत प्रचार चलता है, सारा जगत चलता है, स्वयं अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहता है। इसलिए कहा उसने सारे जगत को अनंत काल के लिए अलविदा कर दिया है, और ये तारीख और वार तो जगत गिनता रहता है, ये कौन सा है क्या है। वहां तो उस पूर्णिमा के चंद्रमा को वो मुनि नहीं देखते, ये चंद्रमा जो पूर्णिमा के चांद समान भगवान, उसको दृष्टि में लेते हैं, वो दृष्टि में लेते हैं। मगर हमारी जो
बचपन से जो हमारी आदत है उस आदत पर ठेस लग जाती है जब ये सुनते हैं ना, तब वो चैतन्य की बात आती है। इसलिए उसका चौघड़िया के बारे में बोला, चौघड़िया होता है शुभ अशुभ चल उद्वेग आग काल, काल वो ये सब काल अकाल जो भी होगा, शुभ लाभ अशुभ, अशुभ भी होता है अशुभ, शुभाशुभ तो होंगे ही, अमृत मरने के लिए चौघड़िया देखते, जन्म के लिए चौघड़िया देखते, गर्भ में आने का चौघड़िया होता है, गर्भ में आने का चौघड़िया नहीं होता, जन्म लेने का चौघड़िया नहीं होता, केवल ज्ञान प्रकट होने का चौघड़िया होता है, नहीं होता। अब गर्भ में आने का चौघड़िया नहीं, जन्म लेने का चौघड़िया नहीं, केवल ज्ञान होने का चौघड़िया नहीं, मोक्ष होने का चौघड़िया नहीं, जब चार चार कल्याणक बिना चौघड़िया के होते हैं तो दीक्षा कल्याणक चौघड़िया बिना क्यों नहीं होता? चौघड़िया होता ही नहीं है। ये सब जो अभी चल रहा है ना कि कौन सी, वो पहले से प्रीफिक्स 2 महीने के बाद में इनकी दीक्षा है, माने वो पहले से ही प्लानिंग करके कि तब वैराग्य होगा 2 महीने बाद, कोई नाटक करना हो मुनि दीक्षा का तो 2 महीने से प्रैक्टिस हो सकती है, वहां तो सहज परिणति निर्मल हुई। इसलिए अज्ञानी के बारे में कहना बहुत आसान है कि ये अज्ञानी क्या करेगा कल, ज्ञानी के बारे में कहना मुश्किल है वो क्या करेंगे पता नहीं, आज यहां है तो कल वन में गुफा में। ज्ञानी का स्वरूप यह है, चैतन्य भगवान, उस चैतन्य के आश्रय जहां काल का कोई भेद नहीं, ऐसे चैतन्य के आश्रय से ये बाहर के काल का भेद भी फिर वहां उत्पन्न नहीं होता, जहां त्रिकाली का आश्रय लिया कि बाहर का काल का भेद भी मिट गया, जहां देखा वहां भेद नहीं आया। एक ध्रुव चैतन्य तत्व को जिसने ऐसा, फिर सारे जगत में कोई भी काल का भेद, ये खराब काल ये अच्छा काल कुछ भी नहीं, खराब काल हो तो, खराब काल हो तो अच्छा काम नहीं करना, खराब काल हो खराब चौघड़िया हो तो अच्छा काम नहीं करना, लोग कहते हैं कि अच्छा काम नहीं करना, जैसे कि अशुभ चौघड़िया हो तो शुभ काम नहीं करना चाहिए, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि अशुभ चौघड़िया में शुभ काम नहीं करना चाहिए, बात सही है चलो, तो शुभ चौघड़िया में अशुभ काम क्यों करते हो? कभी अशुभ काम करने के लिए कभी चौघड़िया देखा कि ये शुभ तो नहीं है ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना? यदि वो मान करके भी यदि वो पाप से बचे ना तो भी आधे पाप से छूट जाए, क्योंकि आधे शुभ आधे अशुभ होते हैं ना, मानना तो भले माने ये शुभ अशुभ चौघड़िया का, मगर वो सिर्फ वो अच्छे काम के लिए देखता है, बुरे काम के लिए तो देखता ही नहीं। खास बात यह है उसे बुरे काम करने हैं और अच्छे काम करने में थोड़ा फिर और कोई भेद नहीं रहा। रविवार गया, सोमवार गया, मंगलवार गया, रवि का अर्थ होता है सूर्य और सोम का अर्थ होता है चंद्र। सूर्य जैसे ज्योतिमय है और चंद्रमा जैसे शांत है, ऐसे ये चैतन्य स्वभाव है। रवि समान ज्योतिमय और सोम समान शांत,
ऐसा मंगलकारी है चैतन्य भगवान आत्मा जो बुद्ध अर्थात ज्ञान का घन पिंड है, ऐसा किससे जाना कि गुरु से जाना। और जब ये गुरु से जाना, जब तक नहीं जाना था तब तक कुछ नहीं, जब ये गुरु से जाना तब ही गुरु का शुक्रिया अदा किया। और जब गुरु का शुक्रिया अदा किया तो संसार चक्र की शनि की पनौती दूर हुई। ये भेद होते नहीं है, ये बनाने के लिए अच्छे लगते हैं, बाकी वहां कुछ नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं। आपका प्रश्न ये है कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। चर्या जो है वो कार्य है, और कार्य कभी भी करने वाले से महान नहीं होता। इसलिए ये खास बताना चाहूंगा कि सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। इसलिए आत्मार्थी जीव जो है वो आत्मा की अवस्था है, और दिनचर्या है ये सब बाहर की अवस्था। अब इसलिए अब क्या होता है ये सुन लीजिए कि अब आत्मार्थी पुरुष भी हो सकता है। अब इसमें तो नाम लिखा नहीं किसके पुरुष का प्रश्न है कि स्त्री का, तो अभी आत्मार्थी पुरुष भी हो सकता है, आत्मार्थी स्त्री भी है। अब स्त्री है तो उसकी दिनचर्या होगी, वो खाना भी बनाएगी, वो बच्चों का भी ध्यान रखेगी, वो जो भी घर को संभालेगी। अब पुरुष है तो उसकी दिनचर्या, वो दुकान पर जाएगा, वो अपना काम करेगा, कमाएगा धन। तो दोनों की दिनचर्या ऐसे जिसे हम दिनचर्या कहते हैं वो तो अलग अलग होगी। या तो आत्मार्थी की पूछी, भाई बहन की नहीं पूछी। तो इसलिए ये कहा कि कोई भी कार्य करे, वो स्त्री है खाना पकाती है तो उसकी दिनचर्या ये है कि खाना बन रहा हो तब ये भेद ज्ञान बना रहे कि मैं चैतन्य, मैं यहां हूं ही नहीं, मैं इसमें कहीं भी नहीं हूं। जैसे इतना भेद बनता है ना, जैसे देवरानी जेठानी है तो देवरानी जेठानी उसमें खुद जेठानी है। अब देवरानी का काम इतना है आधा कि वो सब्जी बनाएगी, और जेठानी को वहां पे बनाना है फिर वो रोटी बनाएगी। अब रसोई घर में दोनों के काम ये है, तो वो जब जेठानी रसोई घर में प्रवेश करे, अब आत्मार्थी की दिनचर्या, वो रसोई घर में प्रवेश करे तब उसे पता है कि सब्जी बनाने का जो कार्य है वो मेरा नहीं है, वो कार्य मेरा नहीं है, वो तो किसी का है। ऐसे ही ये जागृति रहे कि रोटी बनाने का कार्य मेरा नहीं है, वो भी किसी का है। मेरा कार्य क्या है यहां, मात्र जानना वो देवरानी को भी और जेठानी को भी। अरे अपना वो स्वरूप क्या है, वो कार्य करते वक्त वो जागृति बनी रहे, बैठे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे तब जागृति ये बनी रहे अंतर की चैतन्य की। बाकी तो क्या बताना, क्या खाना क्या पीना, कब खाना कब पीना, वो तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। नियम का पालन कैसे करना वो तो मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं। जो नहीं मालूम वो आपसे कहना चाहता हूं कि बस वो जागृति कि जो भी करे उसमें अलिप्त भाव से कि मैंने यहां प्रवेश नहीं किया, मैं तो मात्र चैतन्य जानने वाला। कि चैतन्य का उसके अंदर प्रवेश नहीं हो गया। यदि रोटी बनाते हैं ऐसा ये जो कार्य चल रहा है, ये जो रोटी वहां पर रखी, पहला तो गोला रखा आटे का और उसके ऊपर ये बेलन ऐसे ऐसे घुमाया, तो ये जो चल रहा है तो वहां पर ऐसा चल रहा है कि ये मेरा कार्य, ये मैं रोटी बना रही कि नहीं। यदि वो जो जानने वाला तत्व है, वो जानने वाला तत्व यदि ये रोटी में चला जाता, रोटी नॉन लिविंग से लिविंग जड़ से चेतन हो जाती, तो मैं मानू कि मैंने रोटी बनाई, क्योंकि मैं चैतन्य हूं और चैतन्य वहां नहीं गया इसलिए मेरा वो कार्य ही नहीं है। चैतन्य का जो कार्य है वही मेरा, रोटी का कार्य मेरा नहीं है। ऐसे ही सब्जी रोटी कुछ भी करे, व्यापार आदि करे, वस्तु ले रखे, धन गिने कि मैं गिन रहा हूं, तब ये जागृति कि चैतन्य उसके अंदर वहां प्रवेश कर गया
यदि किया तो वो धन जड़ में से चेतन हो जाता, ये नॉट जिंदा हो जाती, नहीं हुई इस कार चैतन्य उसमें नहीं गया, वो गिनने का कार्य होगा परंतु जागृति पित्रो चैतन्य प्रभु ऐसी इस भव की नहीं, पूर्व भव में अनंत भवों की ऐसी घटना घटी, अनंत भवों की ऐसी घटना घटी, शरीर के कार्य तो निरंतर 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 चलते ही रहते थे, वो चैतन्य पना उस शरीर के कार्य में कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो कार्य जो है वह कार्य मेरा नहीं है, वह कार्य मेरा नहीं है। तो वो जो कोई भी कार्य आप करें, यदि बच्चा है तो वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, वो अपना कार्य करेगा, कोई भी कार्य करे आपको ये जागृति बनी रहेगी। पत्नी है, पति के साथ रहती है, पति को फिल्म देखने का शौक है, पत्नी को नहीं है, बार बार कहता है कि चलो मूवी देखने जाते हैं, और पत्नी कहती है नहीं, फिर भी जाना पड़ रहा है, तो दिनचर्या में तो था ही नहीं वहां पर मूवी देखना, मगर पत्नी को जाना पड़ रहा है, और वहां पर झगड़ा भी हो सकता है नहीं जाए तो, बस इतनी जागृति की पति का अधिकार इस शरीर पर है, उससे ज्यादा नहीं, परंतु अंतर में जो भेद ज्ञान की ये जो क्रिया देह की, उसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं चैतन्य, और उस भेद ज्ञान पर तो उस पति का भी अधिकार नहीं, ये दिनचर्या। वरना दिनचर्या आपकी पराधीन हो जाएगी कि कोई भी आपको कहीं भी लेके जाए तो आपकी साधना भंग हो गई। यदि मैं कहूं कि देव दर्शन करना आपकी दिनचर्या बनाओ, तो कभी देव दर्शन नहीं मिले आपको तो देव दिनचर्या भंग हुई, भगवान के दर्शन नहीं मिले दिनचर्या भंग हुई, बाहर गांव गए ट्रेन में 2 दिन का सफर, दिनचर्या भंग हुई। मगर यदि ये दिनचर्या भंग होने की संभावना है, एक दिनचर्या ऐसी है जो कभी नहीं भंग हो सकती, वो जागृति की है, कहीं पर भी आप रहो जागृत रहो, वो जागृत रहो, वो दिनचर्या भंग नहीं होगी। और दूसरी दिनचर्या के हमने अल्टरनेटिव खोज लिए हैं, ऐसा ध्रुव प्रभु, प्रभु का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई नहीं, ये तो वही, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। वहां देव दर्शन करने गए नियम लेकर, कहीं कहीं ऐसा होता है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब देव दर्शन का नियम होता है, वो उस नियम का पालन न हो सके तो वो क्या करते हैं कि एक रस का त्याग कर देते हैं, एक रस का त्याग कर दिया, ये अल्टरनेटिव खोजा कि वो नहीं हो सके तो ये कर लेना। उस दिनचर्या का अल्टरनेटिव हो सकता है, चैतन्य की जो दिनचर्या जागृति की है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं, यही इसमें हमेशा अपन दिनचर्या कहते हैं ना, रात्रिचर्या नहीं कहते,
कि दिन में हम जागते हैं, रात को हम सोते हैं। अब अज्ञानी तो सोता ही है, तो उसकी दिनचर्या आई कहां से? दिनचर्या तो जागने वालों के लिए होती है, सोने वाले के लिए दिनचर्या कहां होती है? ज्ञानियों को दिनचर्या होती है, अज्ञानियों को कहां? और ज्ञानियों को जागृति होती है, वही ज्ञानी की दिनचर्या है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न, आपका समय तो है ना, आधा घंटा, 7 मिनट। क्रिया और क्रिया जड़ में क्या अंतर है, और शुष्क ज्ञानी किसे कहते हैं, ये दोनों की बीच में कैसे रहना चाहिए, कौन सा ज्ञान ज्ञान और कौन सा शुष्क ज्ञान है? सबसे पहले क्रिया और क्रिया जड़, जिंदा आदमी और मुर्दा, क्रिया जो होती है ज्ञानियों के भी होती है, परंतु ज्ञानी क्रिया जड़ नहीं होते हैं। क्रिया जड़ वह है जिसका सारा धर्म जड़ की क्रिया के बल पर ही टिका है। जिसे आंख नहीं है वे क्रिया जड़ है, और ज्ञानी की जो क्रिया है वो आंख के साथ में है। इसका मतलब यह है कि जब तक आंख की बीमारी का इलाज नहीं होता और पैर की बीमारी का इलाज हो जाता है, तब क्रिया जड़ हो जाता है। उसका स्वरूप थोड़ा समझने जैसा है। एक व्यक्ति को बीमारी है दो, एक तो पैर की और एक आंख की, इस कमरे में वह यहां पर बैठा हुआ है। डॉक्टर आकर के पैर की बीमारी दूर कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, वो चलने लगता है, चलने लगता है, अभी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है कि दरवाजा तो दिखाई देता नहीं है, इस दीवार से उस दीवार और उस दीवार से इस दीवार वह टकराता। इसलिए खास यह याद रहे कि आंख की बीमारी का इलाज पहले हो, पैर की बीमारी का बाद में हो। आंख की बीमारी का अर्थ है श्रद्धा की कमजोरी, और पैर की बीमारी का अर्थ है चारित्र की कमजोरी। पहले श्रद्धा की कमजोरी दूर होती है, पहले मिथ्यात्व दूर होता है, और उसके बाद अणुव्रत महाव्रतादि रूप चारित्र अंगीकार होता है। इसलिए उस जीव की दशा तो उससे भी बदतर है जिसका कोई इलाज नहीं हुआ। किसकी दशा? जिसके पैर का इलाज हो गया है और आंखों का नहीं हुआ, क्योंकि वो ठोकर खा रहा है, कम से कम वो दूसरा ठोकर तो नहीं खा रहा।
इसलिए गुणस्थान की परिपाटी ये बताई कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन, पांचवें गुणस्थान में अनुव्रत, छठे गुणस्थान में महाव्रत, ये क्रम क्यों? ये आंख की बीमारी दूर होने के बाद पैर की बीमारी दूर हो, उसका एक कारण है। आपने पूछा है शुष्क ज्ञानी किसे कहते हैं, ये दोनों के बीच कैसे रहना? अब ये दोनों के बीच कौन रहे? मैं, ये क्रिया जड़ और ये शुष्क ज्ञानी, इन दोनों के बीच में कैसे रहना? प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या मैं क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी नहीं हूं? मुख्य ये बात कि दुनिया में जो भी हो उनके उनका काम उनके ऊपर। इसलिए कहा कि दूसरों की जो कमजोरी है उस कमजोरी से मेरा संसार नहीं अटका अपनी। इसलिए टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि अपने में यदि मैं कुछ दोषों का निरूपण करता हूं, यदि वे दोष आपके आप में हो तो उसे दूर करना, और यदि ऐसे दोष न हो तो मान लेना कि वो मेरे में नहीं है, मेरी बात नहीं है। परंतु ऐसे दोष यदि किसी दूसरों में दिखे तो देख देख कर कसाई मत होना कि ये देखो कैसा। इसलिए शुष्क ज्ञान जो है साधन दशा का जो निषेध करता है, निषेध शब्द का प्रयोग कर, और अकेले क्षयोपशम ज्ञान, ये शुष्क ज्ञान का अर्थ यह है कि क्षयोपशम ज्ञान को ही जिसने आत्मज्ञान मान करके स्वयं को महान माना, क्षयोपशम ज्ञान के वैभव को ही जिसने वैभव माना, वो वैभव को वैभव माना, वो स्वभाव वाला जो वैभव, उसकी ओर दृष्टि नहीं गई। इसलिए ये कहा एक जगह समुद्र से जहाज से जा रहे थे, तभी थोड़े दिन पहले की बात है, तभी एक ख्याल आया कि समुद्र में पर्वत भी गिर जाए तो समुद्र को विचलित नहीं कर सकते, वो पर्वत समुद्र को विचलित नहीं कर सकता, और एक तालाब में छोटा सा पत्थर भी फेंके तो वो तालाब को विचलित कर देता है, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, तालाब को पड़ता है छोटे पत्थर से भी। उसमें बात यह थी कि मैं क्षयोपशम ज्ञान का तालाब नहीं हूं, मैं तो चैतन्य स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का सागर हूं, और इसलिए जिसने क्षयोपशम ज्ञान में ही अपने को महान माना है उनको थोड़ा छंछेड़ो छेड़ो, कुछ भी नहीं आता है आपको तो खून गरम हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए तो वही उसका सब कुछ है, वही सब कुछ है, याद कर लिया है, पढ़ लिया, सीख लिया, बहुत किया। अच्छा लगेगा थोड़े पल के लिए, बहुत ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, ज्ञान बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, कितना जानते हैं,
परंतु उस ख्याति से जो मिलने वाला जो आनंद है वह आनंद भी ऐसा ही है जैसे विषय के भोगों से मिलने वाला आनंद है, वह भी ऐसा ही अनित्य और असार आनंद जैसा इंद्रियों के विषय के भोगों का आनंद असार है। उसमें भी उतनी ही पराधीनता और परतंत्रता जितनी इंद्रियों के विषय के भोगों की परतंत्रता। खास बात तो यह है कि इंद्रियों के विषयों के भोगों की परतंत्रता तो भली है, अच्छी है, इसलिए क्योंकि कभी कभी ख्याल भी आता है कि उससे मुक्त होना है, और इसे तो ये ख्याल भी नहीं आता है कि इससे मुक्त होना है, उसे लगता है कि ये तो धर्म का रास्ता है, तो छूटने का नाम ही नहीं लेता। क्षयोपशम ज्ञान खतरनाक नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान को ही अपना स्वरूप मान लेना ये खतरनाक है। बारहवें गुणस्थान तक क्षयोपशम ज्ञान रहेगा, उसको धर्म धर्म न माने, उसमें धर्म न माने, वह तरंग है। क्षयोपशम ज्ञान को यदि कहे तो बस चैतन्य तत्व जो है, चैतन्य तत्व जो है वह तत्व, वो चैतन्य स्वभाव है, और वह स्वभाव जो है उस स्वभाव का स्वरूप, और ये जो क्षयोपशम ज्ञान की जो तरंग है उस तरंग का स्वरूप, इन दोनों के स्वरूप में क्या भेद है, अभी ये थोड़ा समझो। जैसे ये समुद्र हो, अब समुद्र की जो लहरें उठ रही है ऐसी, तो उसमें जो लहरें उठती है, उठी फिर शांत हुई, उठी शांत हुई, तो क्षयोपशम ज्ञान समुद्र की लहर जैसा है। अभी हजारों शास्त्रों का ज्ञान है और अगले क्षण में सब भूल गए, एक्सीडेंट हो गया, सब भूल गए। ये तरंग है क्षयोपशम ज्ञान, ये तरंग है वो, और ज्ञान स्वभाव है वह क्या है। जैसे कि समुद्र में जैसे ये तरंग है, लहर है, वो लहर जैसे अभी नीचे गई और जब फिर वो ऊपर उठी, तो जो पानी जो है वो सुबह के समय आपने देखा कि पानी जब वो लहर नीचे गई तब ठंडा है, और पानी जब ऊपर गया तब थोड़ा गर्म हुआ, ऐसा नहीं, तब भी ऐसा ही ठंडा है जैसा नीचे ठंडा था। तो ये जो तरंग को देखेंगे तो पानी अस्थिर है, और उसमें शीतलता को ही देखेंगे तो पानी अपने स्वभाव में स्थिर है। प्रति समय ज्ञानावरणी का क्षयोपशम निरंतर बदलता है, तो क्षयोपशम ज्ञान में तो तरंगे ऐसा उतार चढ़ाव होता ही रहता है, और उसमें जिसने एकमात्र चैतन्य स्वभाव को ही देखा तो वहां पर वह स्थिर है, वहां स्थिर है। और अंतर का जो वैभव है वो अनंत 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 वैभव, ये बात फिलीपींस में उन्होंने तो पिछले साल एक हमारे लिए एक अवार्ड रखा था, उस अवार्ड का नाम था इंटरनेशनल मल्टीलिंग्वेशन न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो न्यूमरोलॉजिस्ट का वो अंक का अपना वो किताब है ना, 1 2 3 एक से लेकर के 1000 तक की डिजिट में ऐसा कोई डिजिट नहीं कि जिसमें जैन धर्म का कुछ खास ना हो। वो सब एक आत्मा, दो स्व द्रव्य पर द्रव्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, 3 4 गति, 4 5 परमिष्ठी, 5 6 द्रव्य, 6 7 तत्व, 8 कर्म, 9 पदार्थ, धर्म के 10 लक्षण, 11 प्रतिमा, 12 तप, 13 प्रकार के चारित्र, 14 गुणस्थान, 15 प्रमाद, 16 कारण भावना, 17 प्रकार की देश चारित्र, 5 गुणस्थान की वहां पर देश खाति प्रकृति होगा उदय, और उसके बाद में 18 पाप स्थानक, 19 प्रकार के 19 तीर्थंकरों ने ग्रहवास भोगा, 20 विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, 21 प्रकार की वो सर्वघाती प्रकृति के भेद, 22 परिषद, 23 कल्पातीत देवों के भेद, 24 तीर्थंकर, 25 कषाय, 26 देशघाती प्रकृति, 27। तो ऐसा करके 1 से लेकर 1000 तक कोई संख्या ऐसी नहीं, एक किताब हमने अभी लिखी।
देखो ओह ओह करने लगे, वो आत्मा की बात बताई उसमें आ आ नहीं आया, ये क्षयोक्षण ज्ञान और वो चैतन्य स्वभाव इसमें इतना अंतर है। वो अंतर प्रैक्टिकल बताना था ना इसके लिए, कि वो क्षयोक्षण ज्ञान वाली बात आई ना कि वो इतना आपने सब इतना वो क्षयोक्षण ज्ञान और चैतन्य स्वभाव लोकालोक को जानने वाला वो दो कितने तीन दिन से बोल रहा हूं ऐसे ही सुन रहे। होता है अभी वो है भगवान वो मान लिया वो प्रणाम माना नहीं ना भगवान होगा ये भी आएगा। जैसे कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए अपने खजाने में रखा हो, वहां पर करोड़ों रुपए हो और बाजार में निकले 10 रुपए की नोट लेकर जेब में कुछ लेने के लिए खरीदने के लिए और अपने को 10 रुपए का मालिक माने, मैं 10 रुपए का मालिक, वो कितना अज्ञानी। अंदर जो वैभव है उसका तो वो विचार भी नहीं और ये 10 रुपया जो लेके, तो ऐसे हम जो क्षयोक्षण ज्ञान थोड़ा बहुत लेकर यहां घूम रहे हैं बस उसके ही मालिक अपने को मान बैठे हैं। अंदर जो वैभव है अनंत 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 वैभव जो अंदर में है भगवान, उसका उसका तो विचार भी नहीं आता है क्योंकि इसमें संतुष्ट ऐसे हो गए, संतुष्ट हो गए। एक किताब और अपनी किताब एक लिखी थी लक्षाधिपति आत्मा, आत्मा के 100,000 नाम लिखे, 100,000 नाम। देखो आंखें भी ऐसी हो गई, 100,000 आत्मा। देखो कितना उसका नाम रखा था लक्षाधिपति आत्मा, वो नाम बदल दिया, बहुत अन्याय हो गया था आत्मा के साथ। लक्षाधिपति क्योंकि जो अनंत गुणाधिपति है उसको लक्षाधिपति कह के उसका अपमान किया, उसका आदर नहीं किया। इसलिए जो अनिल अंबानी है ना वो हमारी पहचान में मुंबई में एक दो जगह आते हैं, वो मिलते हैं, तो एक बार मैंने उनसे बोल दिया था कि आप तो कितने बड़े हो, लाखों पति हो, हमारे पास में तो इतना नहीं है, तो उनको बुरा लग गया। वो अरबों पति को मैं अभी लाखों पति बोलूं तो मेरे को पता नहीं चला, जो भाई मेरे पास में बैठे थे वो बोले ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं वो लाखों पति बोल रहा हूं ना मैं उनको, उसमें क्या वो है नहीं, बोले है मगर अरबों पति को वो लखपति बोलना उसका अपमान है। अब वो अरबों पति को लखपति में अपमान होता है तो अनंत गुणाधिपति को लखपति कहना, इसलिए उसका नाम बदलकर अभी दूसरा नाम गुणाधिपति आत्मा ये रखा है, गुणाधिपति आत्मा, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा है गुणाधिपति। ऐसी स्वभाव की महिमा, शुष्क ज्ञानी है बस वो तालाब में ही अटक गया। अगला और भी आपके 3-4 और प्रश्न है और भी बाकी सब प्रश्न है, उन प्रश्नों पर अभी थोड़ी देर के बाद में चर्चा करेंगे। आप सभी परमात्माओं ने यहाँ विनय भाव पूर्वक बैठे, आदर पूर्वक बैठे और आपकी जो ये चैतन्य की चर्चा सुनने की जो हृदय में जो भावना जगी है, भविष्य में भला होने की भगवान होनहार है, निश्चित रूप से आप केवल ज्ञान में ये बात जानेंगे कि किसी ने कहा था कि भला होने की होनहार है, जब केवल ज्ञान होगा तब जानेंगे सच ही कहा था, सच ही कहा था। आप सभी परमात्माओं को मैं भाव से प्रणाम करता हूँ।